दोस्तों वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ। हाँ जी, टीना ढाबी और अथर्व आमिर जिनकी बेस्ट जोड़ी कही जाती थी, अब उन दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया है। अगर आप कहीं ना कहीं यूपीएससी से जुड़े हैं तो आप इन दोनों को अच्छी तरह, टीना ढाबी जिन्होंने 2015 में फर्स्ट रैंक हासिल की थी यूपीएससी में, और वहीं अथर्व आमिर ने सेकेंड रैंक हासिल की थी, और दोनों की ट्रेनिंग साथ में ही करके दोनों ने आईएएस सर्विस चुनी थी, और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, और कोर्ट मैरिज के साथ साथ उन्होंने पारंपरिक विवाह भी किया था, और उस समय भी काफ़ी अड़चनें आई थी और कहा गया था कि ये दोनों अलग अलग धर्म के हैं, इस तरह से काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक दूसरे से विवाह किया। और उसके बाद इन दोनों की जोड़ी को बेस्ट जोड़ी कहा जाता था आईएएस के सर्विस में, लेकिन कुछ ही दिनों में उन पे टीना ढाबी पे कुछ ना कुछ दबाव रहा होगा, और शादी के केवल 2 साल बाद ही दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। दोनों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में देते हुए ये कहा कि हम आगे साथ नहीं रह सकते, हमारी शादी को शून्य घोषित किया जाए। वहीं टीना ढाबी ने अथर्व आमिर को ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने हनुमान की कुछ चौपाई लिखी है, और इससे लगता है कि टीना ढाबी ने अपने आप को अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी अथर्व आमिर को अनफॉलो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं टीना ढाबी पे कुछ दबाव रहा होगा जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है, और इस मामले को कहीं ना कहीं लव जिहाद से भी जोड़ा जाता है। आपको क्या लगता है, टीना ढाबी ने ये सही फैसला लिया है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आगे टीना ढाबी का क्या फैसला होगा ये तो वो ही जाने, लेकिन जो जानकारी मिली वो आप सभी को दे दी गई है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि उनका फैसला सही है या गलत। मिलते हैं अगले वीडियो में।